वेलकम फ्रेंड्स, डिस्कस करेंगे मिनी हाउस डिज़ाइन, टू स्टोरी हाउस प्लान, ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर प्लान। एट फर्स्ट हमने बिल्डिंग का चारों साइड देख लेते हैं कहाँ से हमें वेंटिलेशन मिलेगा। फ्रंट साइड में और बैक साइड में हमें वेंटिलेशन मिलेगा और बाकी दो साइड बिल्कुल ब्लॉक्ड है। पीछे साइड में अपना ही जगह कुछ छोड़ के मैंने घर बनाया हूँ, क्योंकि पीछे हमें काफ़ी काम रह जाता है, जैसे कि यूटिलिटी एरिया और अगर सेप्टिक टैंक बनाना होगा तो उसका जो ओपनिंग यहीं पे हमें छोड़ना होता है। सो इसलिए हमें पीछे साइड मिनिमम 3 फीट छोड़ के रखना चाहिए। सो उसी साइड में हमने हमारा वेंटिलेशन भी दे देंगे, प्रोवाइड करा देंगे। सो ये बिल्डिंग का 3D है। फ्रंट में हमें स्टेयर मिल जाएगा, यहाँ से हमने देख पा रहा हूँ कि पहले हमें एक पोर्च है, उसका लेफ्ट साइड में हमारा स्टेयर है और पोर्च के ऊपर हमारा कैंटिलीवर है जो कि फर्स्ट फ्लोर में कैंटिलीवर होके निकला हुआ है। एट फर्स्ट हम इसका साइज़ देखते हैं, इसका जो वाइड होगा 4 मीटर और जो लेंथ होगा ये 6 मीटर। सो 4 मीटर बाई 6 मीटर 13 फीट बाई 20 फीट का बहुत ही छोटा जगह का हाउस डिज़ाइन है। सो डिस्कस करते हैं इसका फर्स्ट फ्लोर से। व्यूअर्स, चैनल में फर्स्ट टाइम होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी सारा हाउस डिज़ाइन देखने मिलेगा। ये जो हमने फर्स्ट फ्लोर में कैंटिलीवर दिया हूँ, जो प्रोजेक्शन होगा ये 2 फीट का है, 0.6 मीटर का प्रोजेक्शन होगा। ये मैंने फर्स्ट फ्लोर में प्रोजेक्शन किया हूँ। तो ये हमारा देखिए फर्स्ट फ्लोर प्लान, स्टेयर के बाद ही हमें मिल जाएगा एक पैसेज और फिर 2 बेडरूम और एक टॉयलेट। यहाँ पे हमें कॉमन एक पैसेज यहाँ पे बना लिया हूँ, जिसमें कि इजीली हम रूम में एंट्री हो सके। सो ये हमारा फर्स्ट बेडरूम, दूसरा बेडरूम, साथ में वार्डरोब भी हमने जोड़ दिया हूँ और कॉर्नर में टॉयलेट एंड बाथरूम का साइज भी हम, ये बेडरूम का साइज 2.42 मीटर और लेंथ में 2.88 मीटर वार्डरोब लेके, वार्डरोब का जो चौड़ाई होगा मतलब लेंथ होगा ये 1.3 मीटर और वाइड जो होगा 0.45 मीटर, मतलब 1.5 फीट का। अब दूसरा बेडरूम के चलते हैं। ये दूसरा बेडरूम, यहाँ पे भी हमने सेम एक वार्डरोब दिया हूँ। एवरेज जो लेंथ होगा ये 3.12 मीटर, अगर वार्डरोब लेके हमें मेजरमेंट करना है तो ये हमें 3.35 मीटर, वार्डरोब का लेंथ है 1.3 मीटर और वाइड जो है 0.45 मीटर, 1.5 फीट का है। सो व्यूअर्स, अब हम चलते हैं स्टेयर हमने कितने जगह लेके बनाना है। स्टेयर बहुत ही छोटा जगह है, सो छोटा स्टेयर है। टोटल वाइड होगा 4 फीट, मतलब 1.2 मीटर और यहाँ से जो लेंथ होगा ये 3.58 मीटर, और एक ही टॉयलेट है जो कि 1.2 मीटर बाई 2.1 मीटर का है, मतलब 4 फीट बाई 7 फीट का। सो व्यूअर्स, अब हम चलते हैं ग्राउंड फ्लोर में। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर प्लान। एट फर्स्ट हमें जो स्टेप है, एक स्टेप मिल रहा है क्योंकि बिल्डिंग का जो प्लिंथ हाइट है मैंने 1 फीट का रखा हूँ, ये अब आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। एट फर्स्ट हमें मिल जाएगा पोर्च, पोर्च का जो वाइड है 1.2 मीटर बाई 2.55 मीटर, काफ़ी अच्छा हमें पोर्च है, जो बैल्कोनी है काफ़ी खासा मिल जाएगा यहाँ पे 2.55 मीटर। फिर हमारा मेन एंट्रेंस मिनिमम 3 फीट 6 इंच, 1.05 मीटर बाई 2.1 मीटर का हाइट, डोर का साइज।
और पहला ही हमें लिविंग हॉल 2.62 मीटर बाई 2.42 मीटर। यहाँ पे जो लिविंग हॉल है हम यहाँ पे एक रूम के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें जाना होगा हमारा डाइनिंग हॉल और एक कॉर्नर में टॉयलेट एंड बाथरूम और स्टेयर। अब चलेंगे किचन, साथ में डाइनिंग और पीछे जाने के लिए एक डोर प्रोवाइड किया गया है। साइज 2.1 मीटर बाई 2.42 मीटर। पीछे एक डोर जहाँ पे हमने यूटिलिटी एरिया और सेप्टिक टैंक हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, सो उसका ओपनिंग भी यहाँ पे रहेगा। अब चलेंगे टॉयलेट एंड बाथरूम, जिसका साइज सेम साइज ऊपर में जो था 1.2 मीटर बाई 2.1 मीटर। अब हम चलेंगे स्टेयर के डिटेल्स डिस्कशन करेंगे हर स्टेप। बिल्डिंग का जो हाइट है, एरिया छोटा है सो इसीलिए बिल्डिंग का हाइट भी छोटा रखा गया है, सो इसी हिसाब से स्टेयर भी, स्टेयर का लेंथ 0.6 मीटर, चौड़ाई जो होगा 0.22 मीटर और इसका जो राइजर है 0.15 मीटर। सो ये था आज का हाउस डिज़ाइन। व्यूअर्स आप लोगों को कैसा लगा थोड़ा सा कमेंट करके बताइए, अच्छा लगा तो लाइक और दूसरे के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट हाउस प्लान में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।